वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बाल देख सकते हो फ्रेंड। इतना ज्यादा मैं आज इतना मतलब इतनी ज्यादा मैं खुश हूं, और बार बार ना मेरे हाथों में इस तरह से बाल ऐसे ऐसे छूने का मन कर रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आप डेमो नहीं दिखाते हो, बट डेमो मैंने आज दिखाया है पूरा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप करोगे ना फ्रेंड्स, सच में आप मुझे बोलोगे कि वाओ अमेजिंग अमेजिंग वर्क करता है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग जरूर कमेंट्स करना। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा फ्रेंड्स, कि मेहंदी में ऐसी दो चीज मिलाएं कि आपके बाल बहुत होंगे सिल्की एंड शाइन एंड ब्लैक। आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरे बाल कितने ज्यादा स्मूथ कर रहे हैं, और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया, नथिंग। और फ्रेंड्स बहुत ही इजी है इसे बनाना एंड अप्लाई करना। इसमें मैंने सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे इसे बनाना है, कैसे यूज करना है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेहंदी लगाते वक्त तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, तो उसके भी मैंने टिप्स दिए हैं फ्रेंड्स कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना है। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, ज्यादा लंबा ना करते हुए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है आयुर्वेदिक हीना। आप भी कोशिश कीजिए ना, आपके प्रोडक्ट जो भी हो हर्बल हो, और ये हर्बल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, हमारे बालों को कोई भी नुकसान नहीं करते। और इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं मिश्रण जो है, तुलसी आंवला नीम पत्ती सिकाकाई लोह भस्म कॉफ़ी सीड भृंगराज ब्राह्मी चांदी पाउडर सारे के सारे मौजूद है। बस हमें इसमें एक प्रोडक्ट लेना है, दो प्रोडक्ट लेना है, ये है लवंग क्लो और हमें लेना है ऑरेंज। जी हाँ, हमें ऑरेंज लेना है। बस ये दो प्रोडक्ट को यूज़ करना है फ्रेंड्स, और आप देखो कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छे हो जाएंगे। बस ये ऑरेंज को अच्छी तरह से पिल कर लेना है, और इसके जूस कुछ इस तरह से निकाल लेने हैं, करीबन 2 चम्मच। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने हीना पाउडर, इसमें 2 पैकेट है, तो एक मेरे लिए इनफ है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे अच्छे से ले लेना है। और यहाँ पर मैंने लवंग को ना अच्छे से कूट लिया है, कम से कम मैंने 5-6 लवंग लिए थे फ्रेंड्स। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है डाल के इस तरह से, और थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा ऑरेंज 2 चम्मच करीबन यहाँ पे ऑरेंज जूस लिए हैं, उसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मिक्स करना है और आपके बालों पे अप्लाई करना है। सो अप्लाई बालों को मेहंदी किस तरह से लगाए उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है फ्रेंड, तो जरूर आप चेकआउट करना। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अच्छी तरह से, जहां जहां आपके ग्रे हेयर है ना फ्रेंड, वहां पे अच्छी तरह से आप इस तरह से लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स बेस्ट रिजल्ट, अगर आपको मेहंदी लगाते वक्त ठंड लगती है ना, तो इसमें लवंग जरूर ऐड कीजिए, आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। ट्रावल कैप जरूर पहनिए। सेकंड टिप्स एंड थर्ड टिप्स इज दैट एंड द थर्ड टिप इज दैट कि आप हमेशा मेहंदी लगाते हो तो गरम दूध या गरम कॉफी गरम चाय आपको जो भी पसंद है ना वो पीजिए, क्योंकि इसे ना ठंडी नहीं लगती। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब मेहंदी लगाते हैं तो हमें कोल्ड और फीवर हो गया है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। तो आपको ये टिप्स मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह से करोगे ना अगर मेहंदी लगाते वक्त, तो आपको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगी। तो ये था मेरा टिप्स आज का। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। एंड मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।